हेलो क्लास फोर, गुड मॉर्निंग. सो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? सो नाउ अ डे चिल्ड्रेन, आई एम टीचिंग योर मॉरल साइंस बिसाइड ईवीएस. ओके, सो फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस. दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप टीचिंग ईवीएस सब्जेक्ट. ओके, सो चिल्ड्रेन नाउ we have to finish our moral science also. Okay, so yesterday or day before yesterday I have given you one chapter, and today I am going to give you the next chapter. So please take out your moral science textbook and open page number 6. Okay, and there you will get the above page, this page. Okay, so let me see what is the title of this lesson, means what is the name of this lesson. The lesson is the two mirror. Means what? Mirror means aina. Okay, this looking glass is called aina. This is called mirror. Okay, we call in English looking glass, and in Hindi it is called aina darpan. Okay, now the values, the good words which you are going to learn from this chapter are kindness means dayalu, daya dikhana. Okay, showing other kind is known as kindness. Then helpfulness means to help other. Okay, the helping nature you have, that is known as helpfulness. Aap kisi ko madad karte ho, वो क्वालिटी को आपको क्या बोलेंगे? हेल्पफुलनेस बोलेंगे. एंड देन पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स किसी में भी अच्छा ही चीज़ देखना, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग. हर चीज़ का क्या होता है? दो पहलू होता है, दो साइड होता है. वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव. एक में गंदा साइड होता है, एक में अच्छा ही साइड होता है. तो आप क्या करेंगे? अच्छा, गंदा वाला छोड़ देंगे और अच्छा वाला को आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे और अपनाएंगे. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. चलिए हम इस लेसन को क्या करते हैं? पढ़ते हैं. नाउ सी व्हाट डू यू थिंक अनु इज फीलिंग इन इस पिक्चर. देयर इज वन गर्ल इज देयर, हर नेम इज अनु. ओके, बट सी दिस इज द फोर फेस ऑफ हर. ओके, यहाँ पर उसका चार फेस दिया है. और चार फेस में क्या है? इन फर्स्ट फेस यू कैन सी हर एक्सप्रेशन, दैट इज इट सीम एज इफ सी इज वेरी एंग्री. इन सेकेंड फेस सी इज लविंग. इन थर्ड फेस सी इज सैड. एंड इन फोर्थ फेस सी इज इन सरप्राइज. ओके, सो दिस फोर फेस ऑफ अनु शोज द एक्सप्रेशन ऑफ हर फीलिंग. मीन्स ये चारों फेस में उस अनु का क्या दिखाया? उसका एक्सप्रेशन दिखाया. एक्सप्रेशन मीन्स उसका जो फीलिंग है, उसका उसने जो महसूस किया, उसका वो क्या है, हमको पता चल जाती है इसकी एक्सप्रेशन से. देखिए फर्स्ट में क्या दिखाया है? वो नाराज है. सेकेंड में वो खुश है और हंस रही है. एंड थर्ड में वो सैड है, उदास है. एंड फोर्थ में वो क्या है? सरप्राइज है. मीन्स कुछ चीज़ देखो उसको आश्चर्य हो रही है. नाउ लेट्स रीड द लेसन. ओके, देयर वाज एन एक्सप्लोरर नेम गोमुख. सो देयर इज वन मैन हुज नेम इज गोमुख एंड ही वाज एन एक्सप्लोरर. ओके, वो क्या करता था? एक्सप्लोरर मीन्स खोज करता मीन्स वो इंसान जो क्या है, जैसे टीचर होता है, टीचर टीचिंग करता है. सोल्जर दे प्रोटेक्ट द बॉर्डर ऑफ द कंट्री. ओके, पुलिस दे हैव देयर ओन वॉर. ओके, इन द सेम वे क्या है, नर्स का, डॉक्टर का, दे हैव देयर ओन ड्यूटी. इन द सेम वे दिस खोजकर्ता, दिस एक्सप्लोरर इज द पर्सन हु एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. ओके, तो एक्सप्लोरर क्या होता है? वो नए नए जगह जाता है और वहाँ पर उसके उसके बारे में उसको क्या करते हैं? खोज करता है
और देखता है और उसके बारे में नोट्स वगैरह डायरी वगैरह लिखता है, स्टोरी वगैरह बनाता है. ओके नाउ सी दिस वन, दिस पर्सन हुज नेम इज गोमुख. ओके सो ही इज एन एक्सप्लोरर एंड ही वेंट इनटू ए डीप फॉरेस्ट. एक बार उसने क्या किया, वो एक जंगल में चला गया, गहरा जंगल में चला गया, मीन्स घना जंगल में चला गया. डीप फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, घना जंगल होती है, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होती है. ओके देन व्हाट हैपेंड, द फॉरेस्ट वॉज होम टू सम ट्राइबल पीपल एंड दिस फॉरेस्ट वेर ही दिस गोमुख द एक्सप्लोरर वेंट दैट वॉज द होम ऑफ सम ट्राइबल पीपुल. ट्राइबल पीपुल पता है ना, आदिवासी जो जंगल में रहने वाले, द नेटिव पीपुल ऑफ द जंगल्स दे आर ट्राइबल पीपुल. ओके वो लोग क्या होते हैं, ट्राइबल पीपुल होते हैं, वो लोग जंगली लोग होते हैं, मतलब जंगली नहीं मीन्स आदिवासी लोग होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओके, अपॉन रीचिंग द फॉरेस्ट गोमुख सेलेक्टेड ए स्पॉट एंड सेट अप हिज टेंट. तो जब वो जंगल में पहुंचा, तो जंगल में जाने के बाद उसने क्या किया, जंगल में तो वहाँ पर आपको यू कैन नॉट गेट होटल्स, यू कैन नॉट गेट रेस्टोरेंट. ओके सो यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ. ओके तो वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद जंगल में पहुँचा, पहुँचने के बाद उसने क्या किया, अपना रात बिताने के लिए और उसने जो जो सामान लाया था, टेंट वगैरह क्या करने लगा, लगाने लगा, और क्या करने लगा, एक सेफ स्पॉट को, एक सुरक्षित जगह को देखे वो क्या करने लगा, अपना टेंट वगैरह लगाने लगा. सी यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द गोमुख एंड ही इज स्टार्टिंग, ही हैज सेलेक्टेड वन स्पॉट एंड स्टार्ट सेटिंग हिज टेंट. ओके नाउ एमंग द थिंग्स ही हैड बॉट वेयर टू बिग मिरर. तो जब ये गोमुख ने क्या है, दो बड़ा बड़ा मिरर भी लाया था. सी दिस वन मिरर ही वॉज ऑल्सो सेटिंग दैट मिरर ऑल्सो, देन ही हैंग देम ऑन टू ट्रीज. उसने दो दो पेड़ पर यहाँ क्या किया, ही हैंग दिस टू मिरर इंटू बिग मिरर इंटू देम दिस टू ट्री. ओके टू ट्री ब्रांच. एज ही वॉज अरेंजिंग हिज बिलोंगिंग्स ही नोटिस अ शॉर्ट मैन वेयरिंग ए स्ट्रेंज हेयर ड्रेस हाइडिंग बिहाइंड अ बुशेस. नाउ दिस वन वेल ही वॉज अरेंजिंग ऑल दिस थिंग. जब वो ये काम अपना कर रहा था, तो उसको कुछ आवाज़ आई और उसने ऐसा करके देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी है, जंगली आदमी है, ट्राइबल आदमी है, और उसके सिर में कुछ है, सिर में ये लगाई हुई है. सी दिस वन, दिस इज कॉल्ड हेड ड्रेस. ओके ये हेड ड्रेस मीन्स ये सिर में लगाने वाला को कुछ क्या है, उन लोग का ऑर्नामेंट है. ओके ये तो सिर में लगा दी टोपी की तरह, तो वो लगाए, वो उसको क्या कर रहा है, देख रहा है. बुशेस से, बुशेस से मीन्स झाड़ी से, या झाड़ी के पीछे से देख रहा है वो. द नेक्स्ट मोमेंट गोमुख सो हिम अप्रोचिंग वन ऑफ द मिरर विथ हीज स्पेयर रेस. तो उन लोग के, जंगली लोग के पास में क्या होता है, स्पेयर होता है. स्पेयर मीन्स भाला, लंबा डंडा वाला, जैसे स्टिक होती है उसके ऊपर में क्या नोकीला क्या होती है, दिस वन नोकीला क्या होती है, शार्प नोकीला पॉइंटेड वन होती है, जिसे वो क्या करता है, इट हंट द एनिमल्स. ओके दे किल द एनिमल्स. तो वो वहाँ आया और जहाँ पर उसने मिरर को हैंग किया था, सी दिस वन द मिरर हैंग बाय गोमुख, ही वॉज वॉशिंग दैट वन, बट ही दिस वन दिस ट्रैवल मैन ही डिड नॉट शो सच मिरर बिफोर. ओके उसने ऐसा मिरर को पहले नहीं देखा था, ठीक है नहीं. द मैन लुक इन टू द मिरर विद ग्रेट हरोर. तो यह आदमी ने पहली बार देखा था, ही डिन सी द मिरर बिफोर. ओके सो वेन ही सो द मिरर फर्स्ट टाइम एंड सी हिज ओन रिफ्लेक्शन हिज इमेज इनसाइड द मिरर, देन ही वॉज फियर स्कर्ड. ओके एंड ही सी द मिरर एज एज ए हॉरर, मतलब उसने देखा जैसे कि लगा उसको बहुत डर लगा. एंड देन व्हाट हैपेंड,
ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर मैन विथ ए स्पेयर बिहाइंड द मिरर. तो उसको लगा कि कोई इंसान है जो भाला लेके क्या है सामने खड़ा है. तो डर गया, उसने सोचा कि कोई मेरे को मारना चाहता है. ही डिड नॉट रियलाइज दैट इट वॉज हिज ओन रिफ्लेक्शन. तो उसको पता नहीं था, ही सो द मिरर द फर्स्ट टाइम. ओके, उसने मिरर को, दर्पण को पहली बार देखा था, इसीलिए उसको ये पता नहीं चला और वो डर गया. और देन ही हिट द मिरर विद द स्पेयर एंड ब्रोक इट इन टू पीसेस. तो उसको डर लग गया कि कोई मेरे को मारना चाहता है, समवन इज वांट टू किल मी. सो बिफोर ही किल हिम, ही व्हाट ही डिड, ही हिट विद द पॉइंटेड स्पीयर इन टू द मिरर. ओके, एंड वेन ही हिट द मिरर ब्रोक इन टू सेवरल पीसेस. तो जब उसने देखा कि उस आदमी खड़ा है एक भाला लेके और लग रहा था कि मेरे को मारेगा, तो डर के मारे उसने क्या किया, उससे पहले उसको मार दिया. और तो जब उसने आईना को मारा तो क्या हो गया, दैट आईना दैट मिरर वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. ओके, देन व्हाट हैपेंड, गोमुख वेंट अप टू द मैन एंड स्माइल. गोमुख को पता चल गया, दिस द एक्सप्लोरर गोमुख, ही स्माइल एट द मैन एंड ही कम टू नो दैट दिस मैन हैव नॉट सीन अ मिरर बिफोर. ओके, तो गोमुख को पता चल गया कि ये ट्राइबल आदमी ने पहले जिंदगी में कभी क्या नहीं देखा था, आईना नहीं देखा था, इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा था. ओके, नाउ ही सेड आई एम गोमुख, वॉट इज योर नेम. तो उसने कहा कि मेरा नाम गोमुख है. ही गेव हिज इंट्रोडक्शन. ओके, उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि देखो भाई मेरा नाम क्या है, गोमुख है, और मैं, आपका नाम क्या है. द मैन रिप्लाई, आई एम माबत्ती द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ माई ट्राइब. तो बोला जिस जंगल में आप आए हो उस जंगल में हम लोग ट्राइबल लोग रहते हैं, और इस जंगल का सबसे पावरफुल आदमी कौन हूँ, मैं हूँ. ओके, मैं हूँ. द मैन रिप्लाइड, आई एम महती एंड द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ माई ट्राइब. व्हाई डिड यू स्मैश द मिरर, आस्क गोमू. तो उसने कहा कि व्हाई डिड यू स्मैश द मिरर, आपने मिरर को क्यों तोड़ दिया, गोमुख ने पूछा. माबती रिप्लाइड, ही किल मी, आई किल हिम फर्स्ट. तो बोला, उसने कहा कि वो मेरे को मारने वाला था, हाँ, ही वॉन्टेड टू किल मी, दैट्स वाई बिफोर किलिंग मी आई किल हिम बिफोर ही किल मी. ओके, तो मैंने उसको मारने से पहले मैंने उसको मार दिया. नाउ गोमू स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड देन ही लेड माबती टू द अदर मिरर. तो गोमुख को पता चल गया, गोमुख कम टू नो दैट दिस ट्राइबल मैन ही हैज नॉट सीन अ मिरर इन हिज लाइफ बिफोर. ओके, तो उसको पता चल गया कि इसने जिंदगी में कभी भी पहले आईना को नहीं देखा था, तो इसलिए उसने उसको हिट किया ना. नाउ फिर गोमुख ने क्या किया, उसको दूसरा मिरर था उसके पास में, उसके पास ले गया. ही सेड लुक दिस इज ए मिरर, इट शो यू हाउ स्ट्रांग योर मसल्स आर, हाउ ब्राइट योर टीथ एंड हाउ हैंडसम यू लुक, इट डज नॉट थ्रेटन यू. तो गोमुख ने उसको दूसरा मिरर के पास में ले गया और दिखाया कि देखो ये तुम हो. ओके, जो कि तुम्हारा देखा, आप देखो ये तो आपका मसल्स है, कितना स्ट्रांग मसल्स है, कितना ब्राइट टीथ है, आपके जो टीथ है वो शाइनिंग कर रहे हैं, एंड यू लुक हैंडसम, एंड इट इज़ नॉट थ्रेटनिंग यू, आपको ये डरा नहीं रहा है, इट्स यू ओनली. ओके, तो महावती स्माइल व्हेन ही हार्ड गोमुख वर्ड, देन ही लुक एट हिज ओन स्माइलिंग रिफ्लेक्शन एंड विद एडमायरेशन एंड स्माइल सम मोर. तो जब उसने देखा, महावती ने उसका पास सुना और फिर उसने फिर सामने देखा और सामने देखकर अपने आप को मुस्कराया. तो जब मिरर में देखकर मुस्कराते तो आप यू लुक, उसको अच्छा लगा अपना क्या है फेस एंड बॉडी. ओके, देन ही स्टार्ट एडमायरिंग, एडमायरिंग मतलब अपना पर्सन से अपने आप करने लगा, देख के उसने कभी नहीं देखा था अपने आप को इस तरह से, तो देखा तो ही
हिमसेल्फ लाइक हिम वेरी मच ओके, क्योंकि वो मावती क्या था, ही वॉज ए हैंडसम बॉय, हैंडसम ट्रेवल बॉय, सी मावती इज वेरी हैंडसम ओके. नाउ ही शाउटेड विद जॉय, आई ब्यूटीफुल, मावती ने कहा मैं बहुत क्या हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, खूबसूरत हूँ. मावती यू हैड लुक विथ एंगर एट द फर्स्ट मिरर, तो मावती तुमने पहले मिरर में क्या किया, तो हमने आपको गुस्से से देखा, सो यू सो एन एंगर फेस इन द रिफ्लेक्शन, पहले मिरर में आपने गुस्से से देखा इसलिए आपको क्या दिखाई दिया, आपका जो रिफ्लेक्शन है गुस्सा वाला था. बट वेन यू स्माइल यू सो ए स्माइलिंग फेस इन द मिरर, सेड गोमो, एंड सेकेंड वाला में आपने स्माइलिंग फेस देखा तो आपको भी स्माइलिंग तो आपको अच्छा भी लगा ओके. गोमुक देन एक्सप्लेन, गोमुक ने उसके बाद में कहा, क्या कहा, देन गोमुक देन एक्सप्लेन टू मावती, इफ वी गो अबाउट विद ए फ्रोन ऑफ आवर फेस अदर विल नॉट स्माइल एट अस, तो बोला अगर हम जब हम किसी के साथ मिलते हैं अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या है, सब लोग हम जो हमको देखेंगे वो भी क्या करेंगे, उनका एक्सप्रेशन भी क्या नहीं होगा, हमारे लिए सही नहीं होगा, मीन्स वो हम स्माइल करेंगे दूसरे भी स्माइल करेंगे ना, जैसे हम किसी रिलेटिव को देखते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं, फ्रेंड को देखते हैं, हम स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेंगे, अगर हम गुस्से से देखेंगे तो वो भी सोचेगा वाई ही इज स्टेयरिंग मी विद एंगर ओके, वो मेरे को गुस्से से क्यों देख रहा है. तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमको क्या करना है, स्माइलिंग देना है, हमको मुस्कुरा के मिलना चाहिए ओके. इफ वी आर सेल्फिश वी विल नॉट बी शोन जेनरोसिटी, अगर हम सेल्फिश होंगे, कोई की होते सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, जेनरस नहीं होता, जेनरस मीन्स उदार हृदय, उदार हृदय मीन्स सबके लिए केयर करने वाला, तो क्या होती है, ऑन द अदर हैंड तो क्या है, इट्स नॉट गुड ओके, वी मस्ट adopt the habit of generosity also. On the other hand, if we are goodness will come back to us. Okay. तो ऐसा होता है कि जिस like mirror, if you see our see our face in the mirror, if you smile, the mirror also smile. If we are angry, the mirror show us angry face. If we are sad face, mirror also shows our sad face. Okay, so the world is like this. Okay, if you smile to other, they smile for you also. Okay, if you get angry, अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा. तो संसार इसी तरह का है. Okay, then greet other will greet you, smile and you will have a smile in your life. तो अगर आप किसी से मिलोगे, प्यार से मिलोगे तो वो भी आपको प्यार से मिलेंगे, अगर आप स्माइल करोगे तो वो भी स्माइल करेंगे. तो सो चिल्ड्रेन वी मस्ट ऑलवेज डू पॉजिटिव थिंग ओके, अच्छी चीज़ हमको करना चाहिए जिससे कि हमको भी अच्छा रिजल्ट मिले. नाउ हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन and I have explained the lesson, so tomorrow I'm going to give the question answer of this chapter okay children. Now for understanding this lesson you have to watch this lesson again and again and listen also okay, and wherever you feel difficulty, any confusion, you my number is there, contact number is there, you can call me back and ask. Okay children, bye children, take care of yourself, mental social distance, wash your hand frequently. Okay children.